नमस्कार, नीताज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ नूडल पोहा कटलेट। इसके लिए मैंने 1 कप नूडल को उबाल करके ले लिया है। इसको मैंने 2 ग्लास पानी में गर्म कर लिया, पानी को उबलने रख दिया और उसमें आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच तेल डाला और नूडल्स डाले और पका करके ले लिए हैं। छान करके आधा कप पोहे लिए हैं, उसको मैंने पानी में भीगने दिया है और उसके बाद निकाल करके ले लिए हैं। सॉफ्ट हो गए हैं ये। 2 छोटे आलू उबाल करके छील करके और ग्रेट करके ले लिए हैं। कुछ ब्रेड क्रम्स लिए हैं, पानी लिया है, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, थोड़ी सब्जी काट कर ली है, इसमें प्याज है, शिमला मिर्ची और गाजर, 1 छोटी प्याज को बारीक काट करके लिया है, आधी गाजर है, आधी शिमला मिर्ची है, लाल मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, काली मिर्ची पाउडर 1/4 चम्मच, अमचूर 1/4 चम्मच, धनिया बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, 1/4 अदरक का टुकड़ा, इसको मैंने ग्रेट करके ले लिया है। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कॉर्नफ्लोर में थोड़ा पानी डाल करके घोल करके रख लेंगे। दो तीन चम्मच पानी डाल करके ऐसा पतला घोल बना लिया है मैंने इसका। मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है, उसमें मैं नूडल्स को डाल देती हूँ, पोहे को। साथ ही उबले हुए आलू को डाल देते हैं। सभी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें एक कटी हुई सब्जियां डाल देंगे। अदरक, हरी मिर्ची और हरा धनिया, इसको भी डाल देती हूँ। साथ ही मसाले और नमक भी डाल देती हूँ। एक बार अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। हाथों की सहायता से अच्छी तरह मिला करके एक डो के समान बना लेंगे। पूरे मिक्सचर को मैंने मिक्स करते हुए हाथों की सहायता से इसे बाइंड कर लिया है। अब हम इसके कटलेट्स बनाएंगे। अब हम इस मिक्सचर में से एक पोर्शन लेंगे थोड़ा सा और उसे किसी भी शेप में बना लेंगे, अपने मनचाहे शेप में। मैं इसे इस शेप में बना रही हूँ। अब हम कटलेट्स को इसमें सैलरी में डाल देंगे। ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। इस तरह से कोट करके रख लेंगे।
मैंने सभी कटलेट्स बना करके तैयार कर लिए हैं और अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब मैं कटलेट्स को तलने के लिए डाल देती हूँ। कटलेट्स को डालते समय तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा जब शेप ले लें तो उसके बाद में हम मीडियम फ्लेम पर तलेंगे इनको। कटलेट्स को पलट पलट कर दोनों ओर से अच्छा गोल्डन ब्राउन तल करके तैयार करना है। मैंने कटलेट्स को दोनों ओर से पलट पलट कर अच्छा गोल्डन ब्राउन तल करके तैयार कर लिया है। ये तल करके तैयार है, तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ और इसी प्रकार से बाकी को भी बना करके तैयार कर लूँगी। मैंने सभी नूडल पोहा कटलेट्स को तल करके तैयार कर लिया है, ये बन करके तैयार है। ये पोहा कटलेट्स, ये नूडल पोहा कटलेट्स खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार हुए हैं ये। आप भी इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।